कोरोना महामारी के चलते सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी के चलते कई बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की गई, तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जिन्होंने आर्थिक संकट का हवाला देकर कर्मचारियों को नौकरी से ही निकाल दिया। तो वहीं कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने महामारी के दौरान काम करने के लिए अपने कर्मचारियों को इनाम दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेसबुक, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के बारे में। इतना ही नहीं, अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को इनाम देने का फैसला लिया है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी हर कर्मचारी को $1,500 यानी करीब 1,12,000 रुपए महामारी बोनस देने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते कई कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसी को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ ऑफिसर कैथलीन होगन ने यह ऐलान किया है कि माइक्रोसॉफ्ट के हर कर्मचारी इसके हकदार होंगे, फिर चाहे वे अमेरिका में कर्मचारी हो या किसी और देश में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 1,75,508 कर्मचारी हैं, जिसके चलते कंपनी को करीब 26 करोड़ 32 लाख डॉलर खर्च करना पड़ सकता है।